पिछले एक साल में गोवा पुलिस से जुड़ी हुई जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो है सेंटिनल स्कीम। सेंटिनल स्कीम के लाने वाले फॉर्मर डीजीपी जिन्होंने अपना चार्ज 1 मार्च को नए डीजीपी को सौंप दिया है वो हमारे साथ हैं इस बारे में बात करने के लिए। सर स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जब आपने 2016 में चार्ज लिया था, अप्रैल 2016 में चार्ज लिया था, तो गोवा की स्थिति ये थी कि करीब करीब प्रत्येक हरेक दिन एक व्यक्ति मरता था रोड एक्सीडेंट्स में। आपने उस वक्त चार्ज लिया, ये सिर्फ लोगों का मुद्दा नहीं था बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा भी था। आपने इस पे किस तरीके से काम किया और ये मामला सेंटिनल तक कैसे पहुंचा, थोड़ा विस्तार में हमें बताएं। देखिए, जब मैं आया तो मुझे याद है कि शुरू में मुझसे मीडिया ने भी पूछा था कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। जो बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी जो मैंने 10 दिन के अध्ययन के बाद ये बात पहचानी, उसमें से एक जो इशू था वो ये था कि गोवा में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर सच में कहें तो जो ऑल इंडिया एवरेज है उसके हिसाब से भी ज़्यादा है, ज़्यादा थी उस वक्त। और हर हफ्ते 6 लोगों की मौत होती थी गोवा में, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। फिर असेंबली में भी इसके बारे में चर्चा हुई, चिंता व्यक्त की गई, माननीय मुख्यमंत्री श्री परिकर साहब ने भी मुझे बुलाया और असेंबली में भी आश्वासन दिया था कि हम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को कम करेंगे और अगले 5 साल में इनको 50% कम करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का एनालिसिस किया जाए, क्योंकि मेरे पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अनुभव है, मैं 4 साल ट्रैफिक यूनिट दिल्ली पुलिस में काम किया, 2 साल वहाँ का चीफ भी रहा, विदेश में भी मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी लिए हैं UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान, तो मैं ट्रैफिक को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ट्रैफिक एक्सीडेंट का डिटेल एनालिसिस गोवा में पहले कभी नहीं किया गया था, जो पुराने अधिकारी हैं उन्हें भी मालूम है। हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया कि कैसे लोग मर रहे हैं, कौन लोग मर रहे हैं और उनको मारने वाले कौन हैं, उनके कारण क्या हैं। इन सभी चीज़ों को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ट्रैफिक सेफ्टी के नियमों के अंदर: एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एनफोर्समेंट, रोड इंजीनियरिंग और एमरजेंसी केयर। एमरजेंसी केयर हॉस्पिटल का विषय है, रोड इंजीनियरिंग PWD का विषय है, हम उसमें सुझाव समय समय पर देते रहते हैं। बाकी दोनों विषय में हमारा योगदान बहुत ज़्यादा है, प्रोसिक्यूशन में खास तौर पर। अब देखिए, गोवा में 14 लाख के करीब व्हीकल्स हैं जिसमें 70% 2-व्हीलर्स हैं, दोपहिया वाहन, और मरने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा 2-व्हीलर्स की, राइडर्स की, और उनमें से जो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हैं उनमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हेलमेट अगर लोग पहने तो सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में कमी हो सकती है, क्योंकि सिर शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और इसमें से चोट को बचाया जा सके तो मरने वाले लोग कम हो सकते हैं। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना, जिगजैग गाड़ी चलाना, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, रॉन्ग ओवरटेकिंग है, मोबाइल पर बात करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब भी कारण थे। ओवर स्पीडिंग के केसेस बहुत कम हो पाते थे क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, पुराने इक्विपमेंट ख़राब हो गए थे। हमने नए एल्कोमीटर्स मंगाए, नए स्पीड रडार गन्स मंगाई। उस वक्त हमने ये स्कीम, जो सेंटिनल स्कीम है, इसके बारे में सोचा। ये स्कीम मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में बहुत समय से चालू है, वहाँ भी मैंने ही शुरू की थी और उसी के स्वरूप को यहाँ पर लागू करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को फाइल भेजी। गोवा में जब ये बात प्रपोजल मैंने भेजा तो मुख्यमंत्री ऑफिस से हमें ये बताया गया कि इसको कैश अवार्ड करेंगे तो लोगों में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। फाइनली वो स्कीम कैश रिवॉर्ड में कन्वर्ट की गई और मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के बाद ये लागू की गई। आप साल भर पहले गोवा की सड़कों पे देखते होंगे और आज देखते होंगे
तो एक चीज़ जो सबसे पहले उभर के आती है वो ये है, हेलमेट के प्रयोग में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है जो पहले नहीं थी, और इसी वजह से जो हेड इंजरी है, जो टू व्हीलर राइडर हेड इंजरी की वजह से मरते थे, उसमें बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। होमिसाइड है उसमें मरने वाले लोगों की संख्या 31 है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 333 है। तो 333 लोग को बचाना ज़रूरी नहीं है क्या? पिछले 15 साल के डाटा को देखें तो जो 2018 में रोड एक्सीडेंट में मौतें हुई है वो सबसे कम है, 15 साल में सबसे कम है। फिर भी लोग इसमें निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि सेंटिनल स्कीम का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन लोगों का विरोध रहा है, इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस बात के लिए कि जनरल पब्लिक को इस स्कीम से जोड़ा गया और कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया। आप इस बात को कैसे डिफेंड करें? हाँ, मैं बिल्कुल दोनों बातों पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि जब ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता है, लोगों को उसका डर है, जहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है वहाँ कोई डर नहीं है। आप देखिए कभी भी हाथ में हेलमेट लेके आ रहे होंगे, दूर से देखेंगे ट्रैफिक वाला है तो सर पे पहन लेंगे और जैसे ही वो क्रॉसिंग निकल जाएगी उसके बाद फिर उतार के धर देंगे। इससे दो बातें पता चलती हैं, इसका अर्थ ये है कि आप सिर को बचाने के लिए नहीं हेलमेट का इस्तेमाल करें, आपको हेलमेट पे यकीन नहीं है, आप सिर्फ वो 100 रुपये का चलान बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। ये तो बहुत ही गलत धारणा है। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को बचा लेने के लिए स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। स्क्रीन गार्ड पे यकीन है, हेलमेट पे यकीन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ तब आएगी कि बचपन से अगर बच्चों को ये सिखाया जाएगा सेफ्टी ज़रूरी है, चाहे वो फायर सेफ्टी हो, चाहे रोड सेफ्टी हो, चाहे साइबर सेफ्टी हो। दूसरी बात ये कि अब सेंटिनल बिना वर्दी के कहीं भी खड़ा है, ये आज की डेट में हमारे पास 6000 से ऊपर सेंटिनल हैं, वो 6000 सीसीटीवी कैमरा सड़क पर कहीं घूम रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता चलता कि ट्रैफिक वाला सामने खड़ा है तो ही हेलमेट लगाना, आपको डर लगता है कि कोई भी चुपचाप फ़ोटो खींचेगा और आपकी भेज देगा, तो आपको हेलमेट लगाने की ज़रूरत हर वक्त पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूरी है कि सेंटिनल स्कीम के रिवॉर्ड की वजह से कुछ लोग ने इसको हो सकता है एक अल्टरनेट माध्यम बनाया हो पैसे कमाने का। अगर सेंटिनल स्कीम की जो एडजस्टमेंट की बात चल रही है, अगर इस रिवॉर्ड मनी को थोड़ा कम किया जाए तो हो सकता है ऐसे जो लोग हैं वो उनकी संख्या में कमी आएगी और स्कीम थोड़ी और बेहतर हो सकती है। लेकिन सेंटिनल स्कीम से बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सर, गोवा सरकार ने अनाउंस किया है कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा, क्या आपको डर है कि आपके जाने के बाद इस स्कीम को बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी यह बन चुका है? देखिए, राजनीतिक मुद्दे पे तो मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मैं चर्चा करना चाहूँगा सड़क सुरक्षा की। क्या कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि सड़क सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है इस देश में या गोवा में? मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा सिर्फ राही कोई होगा जो ये कहेगा कि सड़क सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और जब सड़क सुरक्षा की ज़रूरत की बात करते हैं तो ये भी कोई नहीं कहेगा कि हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। क्या गोवा में लोगों के सिर है लोहे के बने? अधिकारी आते हैं और जाते हैं, स्कीम चलनी चाहिए, समय समय पर उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो एडजस्टमेंट करने चाहिए। हम खुद इस बात को महसूस कर रहे थे कि सेंटिनल की रिवॉर्ड्स में थोड़ी सी कमी लानी चाहिए ताकि लोग इसको कमर्शियल ज़रिया ना बनाएं, ये हम खुद भी महसूस कर रहे थे। अगर अब जो नई कमेटी बनेगी वो इस बारे में सुझाव देगी तो अच्छा रहेगा, और भी कोई अगर चाहे। लेकिन कभी भी बेबी को बाथ वाटर के साथ नहीं फेंका जाता, तो सेंटिनल स्कीम को फेंक देना, मैं समझता हूँ बंद कर देना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी और सड़क दुर्घटनाओं में फिर से इजाफा हो सकता है, ऐसा मेरा डर है। सर, अब दूसरे टॉपिक को लेते हैं। जब आप आए थे तो हमारा ATS भी फॉर्मेशन स्टेज में था, इक्विपमेंट की कमी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, अच्छे हथियार नहीं थे। आपके रहते मैंने देखे हैं कि कई सेंक्शन हुए, जो पैसे नहीं आ रहे थे वो डिपार्टमेंट को मिला, कुछ इक्विपमेंट्स आए। तब और अब के ATS में क्या देखते हैं, क्योंकि गोवा ऐसे भी सेंसिटिव जगह है?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है, गोवा टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ बहुत सारे विदेशी नागरिक भी आते हैं और किसी भी टूरिस्ट प्लेस में कोई भी ऐसी हरकत जिसमें कोई बम फोड़ सकता है, कोई ऑटोमेटिक वेपन से गोलियों की बौछार कर सकता है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है, बाहर से कोई भी आके स्लीपर सेल का आदमी यहाँ रहे और कई बार उसका पता ना चले, ऐसी संभावना रहती है। इसीलिए ATS को बहुत सुदृढ़ करने की ज़रूरत थी, इक्विपमेंट की कमी थी, काफ़ी सारे इक्विपमेंट हम लाए हैं, नए हथियार लाए हैं, कुछ और AK-40 जो AK सीरीज़ की राइफ़ल्स हैं, असॉल्ट राइफ़ल्स हैं, वो नई किस्म की असॉल्ट राइफ़ल भी आने वाली हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत थी। आपको मैं बताऊं, इस बार पहली बार एक बहुत ही विस्तृत एक्सरसाइज की गई जिसमें हेलीकॉप्टर तक का भी प्रयोग किया गया और वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज NSG के साथ हुई, जिसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि मतलब गोवा में जो एक चीज़ अभी बची है ATS में हमको ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है बख्तरबंद गाड़ियाँ, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो टूरिस्ट बेल्ट में कुछ जगहों पे हमें डिप्लॉय करने चाहिए। उसके प्रपोज़ल गए हुए हैं, जल्दी ही उसमें भी उम्मीद है हम आएंगे। तो आज की डेट में मैं कहता हूँ कि ATS की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ATS के पास इक्विपमेंट है और एक्सरसाइज हम लोगों ने बहुत सारी की है। बाकी ये कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट रहता है, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ये चलता रहता है और आज की डेट में ATS गोवा किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सक्षम है। सर एक दूसरा मुद्दा है, जब हम टेररिज्म से लड़ने की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज द की पॉइंट, लेकिन लोकल पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की कमी देखने को मिली, क्या कुछ सुधार हुआ है इसमें या सुधार की गुंजाइश अभी बची है? देखिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि गोवा में 70 लाख से ऊपर टूरिस्ट आते हैं और ये टूरिस्ट अपराधी भी हो सकते हैं, उनके भेष में हमने बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो टूरिस्ट के तौर पे आए, यहाँ क्राइम किया और पकड़े गए। जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का मैकेनिज्म है, इसके बहुत पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू है जनता का सहयोग। अब आपको मैं बताऊं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ लोग आते हैं, कोई मकान किराए पे लेते हैं, वो मकान मालिक कुछ नहीं पूछते, ठीक से उनका नाम भी नहीं जानते, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉरनर्स अगर हैं तो उनके नहीं लेते हैं और उसे वो किराए पे दे देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा किराए दे रहे हैं, उसकी इतला पुलिस को नहीं करते हैं। कुछ कानूनी अड़चनें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे लोगों का प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकता है। एज ए रिज़ल्ट बहुत सारे लोग जो अपराधी हैं वो यहाँ आने में कामयाब हो सकते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। ये रैकी भी हो सकती है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी कोई हरकत वो यहाँ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो खुफिया तंत्र है वो स्ट्रांग है। और पर जनता का सहयोग इसमें ये चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बिना जाँच पड़ताल के, बिना उसके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफ्स के आप मकान किराए पे ना दें। हमने बहुत सारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया है जो फॉरनर्स को मकान देते हैं। अब ऐसा फॉरनर जिसके पास पासपोर्ट नहीं, जिसके पास वीज़ा नहीं, जिसके नाम पता तक की कोई गारंटी नहीं, लोग उसे मकान ही नहीं देते गोवा में, उसके श्योरिटी भी बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई इसका नाम पता हमें मालूम नहीं, वो श्योरिटी ले रहा। भाई आपको वो अफ्रीका का कोई नागरिक कहाँ मिला, कब से आपकी दोस्ती हुई, कैसे आप उसे जानते हैं? चंद हज़ार रुपयों के लिए उसे श्योरिटी दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन सर मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे फिर से आऊँगा, आपने देखा कि कुछ महीने पहले DRI की दिल्ली की टीम आकर के यहाँ केटा माइन की बड़ी खेप पकड़ के ले गई, लेकिन लोकल पुलिस के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पास स्पेशल ब्रांच भी इसी खास काम के लिए बनाया गया है। आपका कहना सही है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, देखिए गोवा पुलिस का खुफिया तंत्र गोवा में ही है, DRI का पूरे इंडिया में है। उनके पास और जो सूत्र हैं
कलेक्शन के जो अन्य एजेंसीज हैं वो भी फीडबैक देती हैं उनको। तो ये बात सही है कि ये हमें हमारी जानकारी में नहीं था। एक इंडस्ट्रियल शेड में ये कार्रवाई चल रही थी, लीगल इंडस्ट्रियल शेड है, उसके अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत बार पता लगाना मुश्किल है। और ये जानकारी बाहर से कलेक्ट की गई, बाहर से इंफॉर्मेशन के बेस पे यहाँ वो लोग रेड करने आए। आपके कार्यकाल में सर तीन और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमने अपग्रेडेशन देखा। एक हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, साइबर सेल है, और हमारे पास अब फिंगरप्रिंट के बैंक है जो कि अच्छा खासा रिच हो रहा है। इन तीनों में आपका क्या योगदान रहा है, आपके कार्यकाल में क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है? देखिए, एक मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गोवा में बहुत सालों से थी और उसके पास इक्विपमेंट की भी कमी थी, एक्सपर्ट्स की भी कमी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई डायरेक्टर ही नहीं था। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक डायरेक्टर मेरे समय में नियुक्त किया गया। कई सारे अलग अलग यूनिट्स के एक्सपर्ट बुलाए गए जो आज हैं। एक साइबर के एक्सपर्ट को भी हमने लिया, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 8 यूनिट्स अलग अलग, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, केमिकल वगैरह वगैरह, विसरा वगैरह के एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट्स आज हमारे पास मौजूद है, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और इन केसेस को अब हमें किसी और स्टेट की लेबोरेटरी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक इशू ऐसा है जो कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल ना देकर के ह्यूमन एंगल देकर के पूछना चाहूँगा। 2-3 ऐसे मुद्दे डिपार्टमेंट के रहे हैं जिससे PSI की सैलरी कट करना, टारगेट मीट ना होने पर, दूसरा PI से कुछ DYSP के प्रमोशन में जो पीछे से चला रहा था शेड्यूल उस हिसाब से ना होना, और तीसरा मैंने देखने को मिला कि कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इस 3 के बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक प्रमोशन की बात करें, बहुत सारे प्रमोशन और MACP जो हम कहते हैं वो पेंडिंग थे। अभी मेरे चार्ज छोड़ने से पहले सभी कांस्टेबल जो प्रमोशन के लायक थे, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, IRBN के प्रमोशन, जितने भी पेंडिंग थे ये सारे हमने कर दिए। सिर्फ इंस्पेक्टर से DSP और DSP से SP में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चन है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाए हैं। वो गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये मामला लंबित है। दूसरा जो इशू है, सैलरी कट करना, मैं इसके फेवर में नहीं रहा हूँ, लेकिन गोवा पुलिस सर्विस के जो नियम है, विधान है, उसमें SP को ये पावर है कि मिसकंडक्ट के अंदर एज ए पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन ये भी फाइनेंशियल फाइन भी लगाया जा सकता है। ये टारगेट मीट करने की वजह से नहीं है, कोई भी आपने मिसकंडक्ट किया है तो एज ए पनिशमेंट के तौर पे ये लिया जा सकता है। मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इसकी बजाय सेंश्योर भी दिया जा सकता है, इसकी बजाय प्रमोशन भी रोका जा सकता है, और सारे हैं जैसे मिसकंडक्ट है वैसे उसके हिसाब से पनिशमेंट होती है। बहुत सारे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जितने भी केसेस मैंने देखे हैं सब वो हैं जिसमें उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी देखिए, कम से कम 100 एप्लीकेशन मेरे सिपाही, हवलदार, ये लोग हैं जो LLB जिन्होंने कर रखी है, उन्होंने अव्वल कारकुन के लिए अप्लाई किया है, या कहीं और कोई डिप्टी कलेक्टर बने हैं, कोई कलेक्ट जो अलग अलग अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो रिज़ाइन करते हैं और उनको अच्छा तरीके का एक माध्यम मिलता है तो अच्छी बात है। सर, आपने बोला कि आप सैलरी कट से सहमत नहीं हैं, फिर भी इसे एक बात तो पता लगती है कि आपने SP को पूरी अथॉरिटी दे रखी है। नहीं, मैंने नहीं दी, वो जो कानून में है भाई, कानून में है, बट वो निर्णय ले पाते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से। देखने को मिला है सर, गोवा में ATM क्लोनिंग भी ज़्यादा संख्या में हो रही है छोटे स्टेट होने के नाते, और दूसरी तरफ चीट फंड टाइप के जो इकोनॉमिक्स फ्रॉड हैं वो भी यहाँ देखने को मिला है। क्या साइकोलॉजिकल इशू देखते हैं आप गोवा के प्रति? देखिए, ATM कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग पिछले दिनों में बढ़ा है, डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस है, ज़्यादातर लोग आजकल इन कार्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कार का प्रयोग करते वक्त कुछ सावधानी की ज़रूरत है। और कुछ जो फ्रॉड होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करना बहुत आसान है। अभी चिप बेस्ड कार्ड आने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जाता है कि कोई उसको स्वाइप करे तो उसके कार्ड का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। क्योंकि गोवा टूरिस्ट स्टेट है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो टूरिस्ट के बेस में ये एटीएम क्लोनिंग गैंग्स भी आने लगे। हमने इंडिया के गैंग्स पकड़े, हमने बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स के गैंग पकड़े। और साथ के साथ एक स्कीम मैंने और चलाई जो शायद बहुत बार चर्चा में नहीं आई है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति एटीएम क्लोनिंग का जो इक्विपमेंट है एटीएम मशीन पे पकड़ेगा, उसे 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और उसकी मदद से अगर वो क्लोनिंग का गैंग पकड़ा जाता है या वो आदमी पकड़ा जाता है, तो 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। जब कभी भी एटीएम मशीन में जाएं तो उसके कार्ड डालने वाली स्लॉट को जरा सा हिला के देखें, खींच के देखें, अगर कोई डुप्लीकेट लगा होगा तो आपके हाथ में आ जाएगा। और पिन डालने से पहले आप उसको मशीन को पिन पैड को कवर कर लें हाथ से, किसी लिफाफे से, अपने पर्स से, ताकि अगर कोई खुफिया कैमरा लगा है तो वो आपके पिन को ना पढ़ सके। और अगर एटीएम में कोई और आदमी है जो आपके मदद करने के बहाने आपके पिन को चुराना चाहता, तो ऐसे आदमी से आप बात ना करें। ये कुछ प्रिकॉशन अगर लेंगे तो एटीएम क्लोनिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। और सर, चिटफंड टाइप के जो चिटफंड का भी है, यही एक विषय है। मैंने तो इस बारे में एक आर्टिकल भी लिखी थी, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, कि जल्दी से रिच, बहुत जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग ऐसी उल जलूल स्कीमों में पैसा लगाते थे, और बाद में वो लोग आपका पैसा लूट के भाग जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, बैंक में लगाएं, सुरक्षित जगह पे पैसा लगाएं। पैसा लगाने से पहले उस कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के बारे में सोच समझ लें, अच्छी तरह से पड़ताल कर लें, और कहीं भी आपको शक लगता है तो आप इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में आके रिपोर्ट करें। आपके कार्यकाल के दौरान कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी कुछ केसेस रजिस्टर हुए, और जब भी केस रजिस्टर हुए, चाहे वो बेल के लिए मैटर गया हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सबका ये कहना होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह गोवा पुलिस ने काम किया। और उसके कॉन्ट्रेरी अगर रूलिंग पार्टी की तरफ कोई कंप्लेन आया तो उस पर काम नहीं होता। क्या कभी आपने पॉलिटिकल प्रेशर फील किया है? देखिए, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ज़िंदगी में कभी कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे मेरी पोस्टिंग कहीं भी रही हो। और यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि जैसे हर स्टेट पुलिस में ये इल्ज़ाम आता है कि प्रेशर होगा, इस तरह से काम होगा, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस जो है वो अकाउंटेबल है कोर्ट को भी। जो भी चार्जशीट पेश की जाएगी उसकी कोर्ट में स्क्रूटनी होगी। लोअर कोर्ट हैं, मिडिल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कोई भी अगर गलत काम पुलिस करेगी तो उसकी जवाबदेही वहाँ होती है। और जितने भी केसेस हैं उसमें विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, हम उस केस के मेरिट पे ही काम करते हैं, उसी के हिसाब से सबूत इकट्ठे करते हैं और उसके आगे निर्णय लेते हैं। आपका सर करीब 3 साल का कार्यकाल रहा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप क्या अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि जो सबसे पहली ड्यूटी पुलिस की होती है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, इन तीनों ही प्राइमरी ड्यूटीज़ पे हम खड़े उतरे हैं 3 साल में। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस से 3,000 से ऊपर थे, आज वो आधे हैं। पहले केस फाइल खो जाया करती थी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की मृत्यु हुए 6 महीने हो गए, केस फाइल का पता ही नहीं है, ऐसे केसेस हुए। अब धीरे धीरे ये सारी इस तरह की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस का रेगुलर रिव्यू किया जाता है, हर केस के डिले की वजह को एनालाइज किया जाता है। FSL आ जाने से अब रिजल्ट बड़ी जल्दी आने लगे हैं। और जहां तक हीनस केसेस की बात करें, जो मेरे समय के तकरीबन सारे जो हीनस केस हैं वो सॉल्व किए गए हैं बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।
ऐसा कोई भी केस नहीं है जो वर्कआउट नहीं है। हिनस केसेस में भी कमी है, डिटेक्शन रेट में इम्प्रूवमेंट है। और ये चीज़ मेरे कहने की नहीं है, ये आप जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्राइम के चार्ट्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं बखूबी। और ये चीज़ें असेंबली क्वेश्चंस के दौरान भी पेश की जाती हैं। मुझे खुशी है कि इन सभी फ्रंट्स पे हम खड़े उतरे। सर, डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पे होने के बाद भी हर कोई जानता है गोवा में कि आप बहुत अच्छा बांसुरी वादन करते हैं। आपने एक दो प्रोग्राम भी हमारे जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया। इन सारे टाइम में बांसुरी वादन का टाइम आपको कब मिलता है, नंबर एक सवाल। और नंबर दूसरा सवाल कि क्या ये स्ट्रेस बस्टर का काम करता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गोवा में इस चीज़ का सुकून है कि छुट्टी वाले दिन आम तौर पे छुट्टी आप मना सकते हैं, दिल्ली में ये नसीब नहीं होता बहुत बार। और शाम को 7 बजे के बाद आप जब ऑफिस से आ गए हैं तो बहुत ही कम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आपको भागने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में छुट्टी वाले दिन या शाम के वक्त समय मिलता है तो मैं हमेशा बांसुरी का अभ्यास किया करता था। और गोवा की फिज़ाएँ, नेचुरल ब्यूटी और जो एक संगीत प्रेमी माहौल है यहाँ पे, मुझे उसने बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सिंगल प्रोग्राम स्टेज शो गोवा में ही किया और ये यादें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता दिल्ली में इतनी भागदौड़ वाली लाइफ में कितना मैं बांसुरी का अभ्यास कर पाऊँगा, बट इस विषय में बात करें तो ज़रूर गोवा मुझे याद आएगा। सर, इसी बात के लिए हम प्रोग्राम के अंत में एक आपका पुराना क्लिप हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें कि लोगों को जो आपके प्रोग्राम को लाइव नहीं देख पाए वो आपके इस हुनर को देख पाएंगे। थैंक यू।